हेलो एंड वेलकम बैक ऑन स्कूल जी। मेरे बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब? ठीक है, बहुत बढ़िया से हैं, मजे में हैं, है ना? सबको आसानी से मैथ भी समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब, कर रहे हैं ना। चलो हम आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे की मस्ती आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग कर रहे थे सॉल्यूशन के मैथड्स कर रहे थे। चलिए, एक जो मैंने मैथड था वो डिस्कस कर चुकी हूँ मैं आपके साथ। आज करने वाले हैं हम दूसरा मैथड डिस्कस। दूसरा मैथड मतलब कि अगर मुझे क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, तो पहला एक मैथड पढ़ चुके हैं हम, क्या? सब्स्टिट्यूशन मैथड। सब्स्टिट्यूशन मैथड में क्या किया था हमने कि किसी एक इक्वेशन से हमने वेरिएबल की वैल्यू निकाली इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल ओनली, और उसे हमने क्या किया, दूसरे इक्वेशन में पुट कर दिया था। समझ में आया था? वो बहुत ही इजी था। चलिए आज हम करते हैं उससे भी इजी, एक और मैथड है हमारे पास और उसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, एलिमिनेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन मतलब होता है खत्म करना, एलिमिनेट करना, राइट? तो एलिमिनेशन मेथड में भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं हम। क्या करेंगे? किसी एक वेरिएबल को गायब कर देंगे। ठीक है, कैसे? चलिए, फॉर दैट वी नीड टू डू अंडरस्टैंड, या हमें एक चीज का याद कर रखने वाला क्या चीज है कि हम जिसको गायब करना चाहते हैं ना, उसके कॉफिशियंस को सेम बना देते हैं। जैसे कि अगर मेरे को क्या करना है, एक्स को गायब करना है, तो मैं क्या करूंगी, दोनों इक्वेशंस में जो भी दो इक्वेशंस गिवन है उसमें एक्स के कॉफिशियंस को सेम बना दो। सेम बनाने के बाद चेक करो क्या दोनों के साइन सेम है। अगर दोनों के साइन सेम है, दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो क्या कर दो, सब्ट्रैक्शन कर दो। अगर दोनों के साइन कैसे हैं, डिफरेंट है, यानी एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो उनको ऐड कर दो। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हमें गायब करना है, और कैसे करेंगे, बाय मेकिंग देयर कॉफिशिएंट सेम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको एग्जांपल से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, एंड मैंने कहा कि सॉल्व दीज टू इक्वेशंस यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड मतलब किसी एक वेरिएबल को गायब करना है, खत्म करना है। कैसे? बाय मेकिंग देयर कोफिशिएंट सेम। चलिए अब डिसाइड करिए बच्चे कि किसको गायब करना है। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर y एक पॉजिटिव का है और एक नेगेटिव का है, तो चलिए हम क्या करते हैं, y के कोफिशिएंट को सेम बना लेते हैं। मैंने इस इक्वेशन को नाम दिया 1 और इस इक्वेशन को नाम दे दिया 2, राइट? अब मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइंग, देखो मल्टीप्लीकेशन करना है अगर तो वो दोनों साइड्स पे होगा, डिवीजन करना है तो वो भी दोनों साइड्स पे होगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी दोनों साइड्स पे होगा एज वेल, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना 3, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 1, राइट? ये आपने लिखना है, राइट? ठीक है, अब देखो एक चीज और लिखनी है, वो अभी मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं हम। मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 5 जा 15, दोनों साइड से मल्टीप्लाई करना है, राइट? LHS भी और RHS भी, राइट? नेक्स्ट आपके पास आता है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखो ये कैसे गायब होगा बेटा। मैंने आपको बताया कि अगर कोफिशियंट सेम बनाने के बाद आपने साइन चेक करना है, अगर तो वो साइन क्या है, ऑपोजिट है, तो उन्हें क्या कर दिया जाए, एड कर दिया जाए। अगर साइन कैसा है आपका, सेम है, तो उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। अभी हम दोनों मेथड से देखेंगे। देखिए मैंने क्या किया, पहले y का कोफिशिएंट सेम बनाया बाय मल्टीप्लिकेशन बाय 3, एंड इसके बाद लिखना एंड एडिंग। इसमें आपने एड क्या करना है कि आपने आगे क्या हो, आगे क्या किया, आपका स्टेप क्या था, पहले आपने मल्टीप्लाई किया और फिर आपने क्या किया, एड किया। तो जब ऐड किया तो ये आपका हो गया 0, और 3 प्लस 2 5x, यहां पर क्या आया 15 प्लस 4 19, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चे पार्टी, 19 बाय 5 आ गई। अब इस वैल्यू को आप इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट करके अपनी y की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, इसे इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकती हूँ, 2 में भी पुट कर सकती हूँ। चलिए
मैं वन में पुट करती हूँ. मैंने कहा 19 बाय 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 19 बाय 5. Taking the LCM, I get 25 minus 19, and this will give you 6 by 5. Got it? Yani mere paas kya aa gaya? Solution aa gaya as 19 by 5 and 6 by 5. Ab kuch bache aap mein se kahenge kya? Ki ma'am hume na x ka coefficient same banana. Waise karte. Chalo, waise kar lete. Aaiye. Ab x ka coefficient same banana hai, to kya karna padega? यहाँ तो 2x है, तो यहाँ भी 2x चाहिएगा, तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ जो 3 से किया था वो हमें 2 से करना है. चलिए करते हैं. मल्टीप्लाइंग सेम प्रोसेस रहेगा बच्चे कि आपने यहाँ पर मेंशन करना है कि आपका स्टेप क्या है. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 3 सॉरी इक्वेशन 2 बाय 1 एंड आगे अभी लिखना है क्या करेंगे हम एड या सब्ट्रैक्ट. लेट्स सी. इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो आई गेट 2x plus 2y is equals to 10 and here 2x minus 3y is equals to 4. Now, मैंने आपको कहा था कि अगर कोफिशिएंट सेम बनाने के बाद दोनों का साइन सेम आता है तो क्या करना है? सब्ट्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्टिंग. लिख दीजिए यहाँ पर एंड सब्ट्रैक्टिंग. तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है बेटा? हर एक टर्म का साइन चेंज हो जाता है. ये पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया. ये नेगेटिव था, पॉजिटिव हो गया. ये कैसा था? पॉजिटिव, तो नेगेटिव हो गया. देखिए अब ये प्लस का है, ये नेगेटिव है, तो ये कैंसिल हो गया. ये दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव, तो क्या हो गया? 5y. 10 माइनस 4 कितना होता है? 6. तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा? y की वैल्यू आ गई 6 बाय 5. अब y की तो आ गई, हमें क्या चाहिए? x की. इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट करके निकाल लीजिए. मैंने सेम वही इक्वेशन यूज किया, क्या x plus y is equals to 5. y की वैल्यू पुट कर दी मैंने क्या 6 by 5 और x is equals to 5 minus 6 by 5. Taking the LCM again, हमारे पास क्या आएगा 25 minus 6 अपॉन 5. 25 माइनस 6 कितना होता है बेटा? 5 माइनस कर दिया 20 एंड 1 एक्स्ट्रा, तो 19 बाय 5. इजी. तो x और y की वैल्यूज हमारे पास आ गई है. नाउ चेक करते हैं क्या ये दोनों मेथड से सेम आई है. लेट्स सी. x की वैल्यू इधर आई थी 19 बाय 5, इधर भी 19 बाय 5. दैट मींस x तो सॉर्टेड है, ये x की वैल्यू सेम आ रही. नेक्स्ट देखते हैं y की वैल्यू. y की वैल्यू आई 6 by 5 और यहाँ पर भी 6 by 5. That means again the value is same. That means कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम x का कोफिशिएंट सेम बना रहे हैं या y का. बस फोकस कहाँ रहना है कि अगर दोनों कोफिशिएंट सेम बनाने के बाद साइन सेम है दोनों का तो क्या करना है? सब्ट्रैक्शन. अगर साइन कैसा है? ऑपोजिट है दोनों टर्म्स का, तो हमें करना है एडिशन. Is that clear, बच्चा पार्टी? Very clear. चलिए एक स्टेटमेंट हम और देखते हैं. देखिए अब आपके पास एक स्टेटमेंट वाला सम मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिख दिया है, पढ़ते हैं इसको. क्या है? The sum of two digit number and the number obtained by reversing the digit is 66. यानी एक ऐसा नंबर जो कि कैसा है, टू डिजिट है, उसको मैंने सम करा किसके साथ? जब उसके डिजिट को रिवर्स कर दिया, जब एड किया तो मुझे मिला 66. If the digits of the number differ by 2, find the number. Yani jo digits the, agar unme difference kitna hai, 2 hai, to mujhe number find karna hai ki aisa kaun sa number hai. To chaliye, sabse pehle kya samajhna hai ki 2 digit number ka formation kaisa hota hai. Koi bhi 2 digit number bataiye, jaise ki 45. Isko hum tod lete hain. Kaise tod sakte hain? Kya main ise aise likh sakti hu? 40 plus 5. या फर्दर एक और देखिए, 4 इंटू 10 प्लस 5. ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि वंस प्लेस एंड टेंथ प्लेस. टेंथ प्लेस क्या होता है बेटा? कि टेंथ प्लेस पे जो भी डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई किया और वंस प्लेस वाले डिजिट में ऐड कर दिया. समझ में आया? यानी डिजिट तो क्या है? 4 एंड 5, बट नंबर क्या बना? 45. 40 प्लस 5. ठीक है, तो अगर टू डिजिट नंबर है तो दो क्या चाहिएंगे? वेरिएबल चाहिएंगे, राइट? तो हम वेरिएबल मान लेते हैं. लेट वंस डिजिट हमारे पास क्या है? x है, ठीक है, और टेंथ डिजिट क्या हो गया बच्चे? y हो गया, ठीक है. अगर
वंस प्लेस का जो डिजिट है वो x है, टेंस प्लेस का y है, तो नंबर क्या बनेगा बताओ फटाफट। 10 से किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा y, तो नंबर हो गया 10y plus x। यहाँ देखो जो टेंस पे था उसी को 10 से मल्टीप्लाई किया, राइट right? तो टेंस पे y था 10y plus x, बट कंडीशन क्या कहती है एग्जाम यहाँ पर क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, रिवर्सिंग द डिजिट किया तो क्या बन गया कि वंस वाला जो बन गया वो तो बन गया क्या टेंस, और टेंस वाला बन गया सॉरी टेंस वाला क्या बन गया ठीक है, तो यानी टेंस तो रिवर्स करने के बाद क्या बना टेंस वाला बन गया कैसा वंस प्लेस, और वंस प्लेस वाला चला गया टेंस प्लेस, समझ में आया इतना। लेकिन अब नंबर क्या बनेगा, नंबर बनेगा 10x plus y, क्यों बनेगा क्योंकि टेंस प्लेस वाला डिजिट को ही तो हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है, राइट right? अब क्वेश्चन कहता है कि जब इन दोनों नंबर को ऐड किया जाए तो मुझे मिलता है 66, राइट right? दोबारा पढ़ लेते हैं, किसी को अगर डाउट है तो द सम ऑफ टू डिजिट नंबर, यानी एक टू डिजिट नंबर है जो कि हमने बनाया क्या 10y plus x, इसको किसके साथ ऐड करना है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, हमने डिजिट्स भी रिवर्स कर दिए, नाउ व्हाट वी गॉट 10x plus y, इनको ऐड किया तो मुझे मिला 66। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, सब कुछ एडिशन में ही है तो 10y plus y 11y, x plus 10x बन गया 11x is equals to 66। क्या यहां से 11 कॉमन लिया जा सकता है, Yes, because left hand side में भी 11 एक factor है और right hand side में भी 11 एक factor है, तो हम इसे लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से x plus y is equals to 6, right? Now, next आपके पास आता है if the digits of the number differ by 2, यानी दोनों digits में difference कितना है 2 है, यानी x minus y is equals to 2, now कुछ बच्चे कहेंगे मैम y माइनस x क्यों नहीं, तो यस वी कैन टेक इट एज y माइनस x इक्वल्स टू 2, क्योंकि हमने यहाँ पर ये नहीं स्पेसिफाई किया कि वंस प्लेस का डिजिट जो है वो ग्रेटर है या टेंस प्लेस वाला जो डिजिट है वो ग्रेटर है, हम दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ आएगा वो देखते हैं हम आंसर में। चलिए अब हमें क्या यूज करना है, एलिमिनेशन मैथड। एलिमिनेशन मैथड मतलब क्या कि हमें कोफिशिएंट सेम बनाना है, कोफिशिएंट तो ऑलरेडी सेम है तो क्या करना है सिंपल एडिशन, सिंपल एडिशन कर देते हैं हम, यहाँ पर क्या हो गया वाई कैंसिल और आंसर आया क्या 2x equals to 8 which gives you x equals to 4, यहाँ से क्या आ गया x की वैल्यू 4 आ गई। अब इनमें से किसी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं 4 plus y is equals to 6 and y is equals to 2, यहाँ पर आ गया आपके पास y is equals to 2, right? तो x भी आ गया, y भी आ गया, क्या हम नंबर निकाल सकते हैं, इसमें लिखा था find the number, नंबर कैसे बनेगा tens place के digit को 10 से multiply करके add कर दिया जाए ones place के number में, ones place के digit में, ones place का digit था x और tens place का था y, यानी 2 into 10 plus 4, that means answer is 24, आंसर समझ में आया कि वो नंबर कौन सा है 24 है। देखिए क्या वेरिफिकेशन हो सकता है इसका, अगर मैंने नंबर के डिजिट्स को रिवर्स कर दिया तो नंबर बनेगा 42 और इनको ऐड किया तो क्या 66 आ रहा है, यस आ रहा है, जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो रही है, राइट। अब क्या बचता है आपके पास, अब बचता है कि मैम अगर y माइनस x कर दिया जाए, तो बच्चे अगर आप पहले क्या कर देते हैं y माइनस x कर देते हैं तो यहाँ पर आंसर आपका 24 आने की बजाय 42 आ जाएगा, सिर्फ इतना ही फर्क आने वाला है और कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है इतना समझ में आया। अब कई बार क्वेश्चन कैसे दिया होता है, इसके बाद एक लाइन और ऐड कर दी जाती है हाउ मेनी सच नंबर्स एग्जिस्ट, कि ऐसे कितने नंबर एग्जिस्ट करते हैं या कितने नंबर ऑफ द पेयर्स है ना, कितने तरह के ऐसे नंबर एग्जिस्ट करते हैं, तो आप देख सकते हो क्या कि ऐसे नंबर क्या है 24 एंड 42, क्योंकि इन दोनों नंबर्स के ही डिजिट्स को जब रिवर्स कर दिया जाए और ऐड कर दिया जाए तो क्या मिलेगा 66, अंडरस्टूड। सो आई होप ये आपको क्लियरली समझ में आ गया कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है,
एलिमिनेशन मेथड इज वेरी इजी सिंपल. क्या करना है हमने, कोफिशिएंट सेम बनाना है किसी भी एक वेरिएबल को और चेक करना है कि अगर दोनों टर्म्स कैसी हैं, सेम साइन पोजेस करती हैं, सेम साइन है तो क्या करना है, सब्ट्रैक्शन. अगर ऑपोजिट साइन है तो क्या करना है, सिंपल एडिशन. इजी देख, ठीक है. चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करने वाले हैं नेक्स्ट मेथड. टिल देन स्टे ट्यून्ड ऑन स्कूल जी. थैंक यू.